हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव सिंपल रेसिपीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, होली का त्यौहार आने वाला है और इस ओकेशन पर हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी की खस्ता मछलियों की रेसिपी, जिनको हम एक महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मछलियों की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सूजी की मछली बनाने के लिए हमने 500 ग्राम सूजी ली है, कप से ढाई कप है ये, आधा कप मैदा लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ सूजी के भी मछली बना सकते हैं। 1 टीस्पून नमक लिया है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 टीस्पून अजवाइन है और 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मछली बनाने के लिए हम सबसे पहले सूजी का डो बनाकर तैयार करेंगे। तो एक थाली में या फिर बड़े बाउल में सूजी ले लेंगे, उसमें डाल देंगे मैदा और जो अजवाइन हमने ली है उसको हम हाथों में ले लेंगे और हाथों से ऐसे क्रश करके डाल देंगे उसमें, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। नमक डाल देंगे, और जो ऑयल हमने लिया है ये ऑयल हमारा 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 70 ml है मेजरिंग कप से, इसमें डाल देते हैं इसको। और सूजी में ऑयल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम सूजी को बाइंड करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको बाइंड करेंगे। नॉर्मल पानी यूज कर रही हूं मैं। तो ये देखिए सूजी हमारी बाइंड हो गई है। इसको हम 1 मिनट तक ऐसे हाथों से मसल मसल के गूंद लेंगे। और ज़्यादा हम टाइट डो नहीं बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि सूजी को भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो सूजी फूलेगी तो हमारा डो कड़क हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा गीला डो बनाकर ही तैयार करेंगे, रोटी और पराठे जैसा। अब हम इसको ढककर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं, हमारा डो सेट हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको एक बार फिर से मसल लेते हैं। इसको स्मूथ करने के बाद हम इसमें से एक लोई तोड़ेंगे, थोड़ी बड़ी, ये देखिए, इसको गोल कर लेंगे। इस लोई को हम बेल लेते हैं। बेलने के बाद हमको इसको जिस भी शेप में काटना हो उस शेप में हम काट लेंगे। ये मैं कुकी कटर से काट रही हूँ। ये देखिए, तो ये देखिए अलग अलग शेप्स में हमने इनको काट लिया है। अब जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम निकाल देंगे। इसके बाद जो मछली हमने बनाई है इसमें हम ऐसे फोक की मदद से ऐसे छेद कर देंगे। फोक से हम छेद इसलिए करते हैं मटकियों में ताकि ये फूले नहीं। इसी तरह से हम सारी मटकियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये मटकियां तैयार करने के बाद हम इनको फ्राई करेंगे।
तो ऑयल गरम होने हमने रख दिया था पहले ही। ऑयल को हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा डो डालकर देखेंगे इसके अंदर। तो डो डालने के बाद फूलकर ऊपर आ गया है, इसका मतलब तेल हमारा अच्छा मीडियम गरम हो गया है। अब हम इसमें मछलियाँ डाल देते हैं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं, मीडियम गर्म होना चाहिए ऑयल, और मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको तलेंगे ताकि अंदर से ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इन मटरियों को हमको पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और मटरियों में छेद करते टाइम ये ध्यान रखें कि छेद अच्छे से अंदर तक हो, नहीं तो आप दोनों साइड से छेद करें, क्योंकि मटरियाँ फिर फूल जाती हैं अगर छेद ठीक से नहीं हो पाते हैं तो। मटरियाँ हमारी गोल्डन हो गई हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। साइड में थोड़ा सा टिका लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो सारी मटरियाँ निकाल ली हैं हमने, इसी तरह से हम मटरियाँ बनाकर उनको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी क्रिस्पी और खस्ता मटरियाँ बनकर तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बस एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो लोई बेलें उसको थोड़ा सा मोटा बेलें, और जो छेद करें तो दोनों साइड अच्छे से छेद होना चाहिए। बहुत अच्छी मटरियाँ बनकर तैयार होंगी। तो आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं शिखा श्रीवास्तव फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।